जय हिंद। कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज पढ़ी, सुनी और देखी थी कि तमिलनाडु का एक पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में आता है। इनफैक्ट 15 सितंबर 2022 को टाइम्स नाउ ने एक न्यूज निकाली जिसमें ये बताया गया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही गांव नहीं बल्कि 7 गांव आते हैं और उसके साथ साथ एक मंदिर भी आता है जो 1500 साल पुराना है। 1500 साल पुराना मंदिर, वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। वाह। मैं हूं पूर्वा और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या है ये वक्फ, वक्फ का 1995 का एक्ट क्या है, इसे क्या नुकसान है हमारे, और साथ ही मैं ये भी बताने वाली हूँ क्या वक्फ आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर भी ले सकता है। तो लास्ट तक बने रहिए, मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। क्या है ये वक्फ, मैं बताती हूँ आपको। ये एक मुस्लिमों का चैरिटी सिस्टम है। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो सपोज 80 साल का एक अब्दुल है जिसके पास 2 फ्लैट है, जिसमें से एक फ्लैट तो वो अपने बच्चों को दे चुका है लेकिन एक फ्लैट है वो दान देना चाहता है वक्फ को। तो वो करेगा अपना एक फ्लैट अल्लाह के नाम पे और जो वक्फ रहेगा वो सिर्फ इसका केयर टेकर रहेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो वक्फ रहेगा वो इसका सिर्फ केयर टेकर रहेगा। तो ये जो फ्लैट है वो किस काम आएगा, वो गुड डीड्स के काम आएगा, यानी कि मुस्लिमों की हॉस्पिटल बनवाना, हॉस्टल, अस्पताल, आपका होटल भी बन सकती है, आप मस्जिद बना सकते हैं, प्रेयर कम्युनिटी हॉल, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए। ठीक है, वक्त के साथ इसकी डेफिनेशन कंप्लीटली बदल गई। आते हम 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ के अपनी प्रॉपर्टी वहीं पर छोड़ के हिंदुस्तान आना पड़ा। उसी तरीके से कुछ मुस्लिमों को अपनी जो प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में थी वो वहीं छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा। हुआ ये कि पाकिस्तान में जो हिंदू की प्रॉपर्टीज थी वो तो पाकिस्तान ने सबके लिए ओपन कर दी, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी कि आपको हिंदू को देना है, मुस्लिम को देना है, जिसको देना है उसको दो। लेकिन हमारे इंडिया में हुआ अपोजिट। महान गांधी जी और नेहरू जी ने ये जो जमीन मुस्लिमों की थी वो मुस्लिमों की ही रहेगी, उस पे हिंदू टच भी नहीं कर सकते। हुआ यूं कि फिर जितने मुस्लिम जो पाकिस्तान गए थे वो छोड़ के वो सारी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के नाम पर हो गई। तब तक भी ये रूल इतना कठोर नहीं हुआ था, ये वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल नहीं हुआ था, लेकिन असली बदलाव आए 1995 में जब कांग्रेस के लीडर पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने, प्रधानमंत्री बने। आते से उन्होंने वक्फ बोर्ड को बहुत सारी पावर्स दे दी, जिससे मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्या है ये वक्फ बोर्ड का 1995 का रूल्स प्रावधान। So, according to Waqf Board 1995 Section 3R, what is Waqf? Any property for any purpose recognized by the Muslim law, pious, religious or charitable. According to Muslim law, not Indian. Okay, अगर कोई भी मुस्लिम की property है, कोई भी, तो वो Waqf की property होगी। चलिए नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये मेरे द्वारा लिखे हुए नहीं है, ये ऑफिशियल 1995 के वक्फ एक्ट की कॉपीज है। इसको आप सब पढ़ सकते हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक दे रही हूँ और आप चाहो तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो वक्फ बोर्ड 1995 एक्ट PDF, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। चले अब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि क्या है ये 1995 का एक्ट। सपोज आपने कोई जमीन रमेश से 2010 में खरीदी, अब रमेश ने वो जमीन 1965 में सलीम से खरीदी थी, तो वक्फ अपना क्लेम इस जमीन पे कर सकता है। वो ये बोल सकता है कि सलीम ने मुझे 1964 में ऑलरेडी ये जमीन दे चुका है,
अब आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो ये एक्ट है वो आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड ही करेगी। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है ये वक्फ बोर्ड। अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो वक्फ के बारे में बताया था, अब हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सेंट्रल की एक वक्फ बोर्ड होती है और 32 वक्फ बोर्ड होती है स्टेट की। अभी जो वक्फ बोर्ड होता है इसमें 7 लोग होते हैं और 7 का मुस्लिम होना अनिवार्य है। उसी तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट ने टेम्पल एक्ट भी निकाला, लेकिन उसमें वो सारे जो टेम्पल थे वो सारे टेम्पल स्टेट को देख दिए, लेकिन उसमें ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है कि उसमें नॉन हिंदू नहीं हो सकते, उसमें कोई भी हो सकता है। तो वक्फ में सिर्फ नॉन मुस्लिम ना हो ऐसे क्यों, बताओ मुझे। अच्छा एक और चीज, गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को एक सर्वेयर भी प्रोवाइड किया है। वो सर्वेयर के हाथ में होता है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी का सर्वे कर सकता है, इफ इन केस उसको लगता है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो वो उस पर अपना एक्शन ले सकता है। इनफैक्ट सर्वेयर आपको नोटिस भी भेज सकता है, क्योंकि सर्वेयर को जो है सेक्शन 4 में अनलिमिटेड पावर्स दी गई है। वक्फ बोर्ड का जो हेड होता है वो सीईओ होता है, और सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग जो सीईओ होता है वो कलेक्टर को भी ऑर्डर दे सकता है, बताओ कलेक्टर को भी। अब सपोज आपको वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी के सारे जमीन कागजात लेके जिसमें ड्राइंग रजिस्ट्री सब कुछ है, और उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये मेरी जमीन है। अगर वो हो जाते हैं तो सेक्शन 54-55 में क्लियरली लिखा है अगर वक्फ को लगता है कि ये जमीन उसकी है तो वो उसकी है, वो आप पे आरोप भी लगा सकता है कब्जा करने का, अतिक्रमण करने का, और डीएम एसडीएम को वो नोटिस भी भेज सकता है आपको वहां से ऑफिशियली हटवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको ये काम करना भी पड़ेगा डीएम एसडीएम को। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक्ट में लिखी हुई है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वक्फ का एक ऐसा पावर, ओ माय गॉड मैं बस वर्ड ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ। एनीवेज मैं आपसे इस एक्ट का हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन शेयर कर रही हूँ, आप खुद इसको ध्यान से पढ़िए। सपोज वक्फ को लगा कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, आप उसको कन्विंस नहीं भी कर पाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है कि वक्फ ही लॉयर है, जज है और पुलिस है। सपोज कि वक्फ ने मान लिया कि ये उसी की प्रॉपर्टी है तो आप सिविल कोर्ट तो जा ही नहीं सकते हैं, राइट? आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाने का। अब मैं बताती हूँ क्या है ये ट्रिब्यूनल कोर्ट। सेक्शन 83 जो कि ट्रिब्यूनल कोर्ट के ऊपर है, हर स्टेट में एक या दो ट्रिब्यूनल कोर्ट होते हैं जिसमें दो जज होते हैं, एक तो नॉन स्पेसिफिक रिलीजियस का होता है बट दूसरा जो होता है वो होता है एमिनेंट मुस्लिम, यानी कि उन्हीं का अपना बंदा। अगर सपोज आप इसमें केस हार जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी उन्हीं की होगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 85 हमें बताता है कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट का डिसीजन है वो फुल एंड फाइनल है, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते। चेड भी मेरी, पढ़ भी मेरी, पुलिस भी मेरी, लॉयर भी मेरा, सर्वेयर भी मेरा, जज भी मेरा। वाओ कितना प्यारा एक्ट है। हालांकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल सौ केस में इस सेक्शन को खारिज कर दिया था, कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर कोई और कोर्ट नहीं है। 2005 में भी ताजमहल पे वक्फ बोर्ड ने केस किया था क्योंकि उसकी देखरेख कर रहा था एएसआई से, तो एएसआई और वक्फ बोर्ड लड़े थे जिसमें एएसआई जीत गई थी, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्योंकि एएसआई बड़ी संस्था है तो ऑफिस की बात है वो जीत गई, लेकिन आम जनता का इसमें क्या होगा? तमिलनाडु का गांव तो हम पूरा का पूरा देख ही रहे हैं, पूरे गांव वाले कितने परेशान हैं।
आम जनता इसमें कहाँ से लाएगी वो इतना पैसा कि वो कोर्ट केस लड़ सके, उसको जीत सके। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये सेक्युलर देश है तो हिंदू, पारसी, जैन, सिख के लिए ये नियम क्यों नहीं, ये स्पेशल एक्ट क्यों नहीं बनाया गया? चले दूसरी चीज, अगर हमारी जमीन होती है, यानी कि अगर हिंदू, सिख और इनके आपस में मतभेद होते हैं जमीन को लेके, तो हमको सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन अगर उसी में मुस्लिम शामिल हो तो हमें ट्रिब्यूनल कोर्ट। इतना स्पेशल, इतना मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? सेक्युलर है हमारा देश, सबके लिए एक ही नियम होना चाहिए, हर किसी को सिविल जज, सिविल कोर्ट के पास ही जाना चाहिए, क्यों जाए हम ट्रिब्यूनल कोर्ट? इस कानून, इस एक्ट के तहत वक्फ जो है वो रिचेस्ट बॉडी बन रहा है। वक्फ के पास अगर मैं करेंटली बात करूं तो 6 से 8 लाख प्रॉपर्टीज हैं जिनकी मार्केट वैल्यू है 12 लाख करोड़। जस्ट इमेजिन, 12 लाख करोड़ की रिचेस्ट बॉडी है वक्फ। उसके बाद भी गवर्नमेंट का इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हर चीज, हर स्कीम में इनके लोग फायदा उठा रहे हैं। ये जो सारा इतनी प्रॉपर्टी है, 12 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, इसके रेंट और इसके मुआवजे से इन लोगों की कम्युनिटी को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही साथ ये लोग केस लड़ रहे हैं जिसका पैसा इनको आसानी से मिल जाता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो टेम्पल एक्ट के अकॉर्डिंग हर साल हर स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ मंदिरों से दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हम वक्फ को देखें जिसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, ऑलरेडी रिच बॉडी है, उनसे कुछ पैसा ले नहीं रहे, उल्टा उनको पैसा दे रहे हैं, हर तरह का गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है इन लोगों को। अगर हमारा देश सेक्युलर है तो फिर ये सारे नियम एक जैसे होना चाहिए ना, सबके लिए सिविल जज होना चाहिए, हर किसी के लिए सिविल कोर्ट होना चाहिए, ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों इन्हें? अगर आप खुद ये एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं। मैं स्पेशल आपको पॉइंट्स हाइलाइट्स बताना चाहती हूँ जो आप हमें पढ़िए ही पढ़िए। इसके जो सेक्शंस हैं वो है 3R, 4, 6, 7, 11, 19, 23, 29, 30, 40, 77, 83, 85 and 99। आप जरूर पढ़ें। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के त्रिचंद्राई इस एक्ट का जीता जाता सबूत है कि किस तरह से पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड के अंडर आ गया। इनफैक्ट 1500 साल पुराना मंदिर भी इनकी प्रॉपर्टी में है। इससे अभी हमें सबक ले लेना चाहिए और इस एक्ट को गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ये एक्ट बंद कर दे। क्या है आपकी प्रतिक्रिया इस वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको पता था वक्फ बोर्ड के बारे में? तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। हर किसी को पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के गांव के साथ क्या हुआ है। जय हिंद, जय भारत।